अगर आप महंगी साड़ी खरीदने के बाद उन्हें संभाल कर रखने की चिंता करते हैं तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध चंदेरी की साड़ियाँ अपनी इसी खासियत के लिए जानी जाती हैं कि उन्हें बिल्कुल भी संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं होती है। महंगी से महंगी साड़ी भी संभाल के नहीं रखनी पड़ती है। सागर में रंगोली शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहली बार चंदेरी के क्राफ्टमैन चंदेरी से बाहर निकलकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके द्वारा तैयार की गई अलग अलग डिजाइन वाली साड़ियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें झाड़पल्लू, जंगला साड़ी, अड्डा साड़ी, अरसफी बूटी, करीना साड़ी, अनुष्का साड़ी, हाफ टीसू, फुल जंगला, फुल टीसू जैसी वैरायटी उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 2,000 से लेके 25,000 रुपये तक है। कारीगरों के द्वारा लाई गई अड्डा बॉर्डर हैवी फैंसी साड़ी की कीमत 25,000 है। इसको लेकर बुशरा बानो कहती हैं कि बाजार से महंगी साड़ी खरीदने के बाद महिलाएं उनको संभाल के रख लेती हैं ताकि वह खराब ना हो, लेकिन चंदेरी की साड़ी खरीदने के बाद आपको इसकी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे वह उतना लंबा टिकेगी, और अगर आप चंदेरी की इन साड़ियों को फोल्ड करके अलमारी में रख देंगे तो नुकसान हो सकता है। वहीं सगीर खान बताते हैं कि शिल्पी बुनकर सहकारी समिति चंदेरी के द्वारा इस शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा। चंदेरी साड़ी है सर, और इसमें बहुत खासियत है, इसमें ये साड़ी आप यूज़ करते हैं मार्केट में मिलती है, वो साड़ी ख़राब हो जाती है यूज़ करने पर, रख देते हैं हम कि ख़राब हो जाएंगी, लेकिन ये हमारी साड़ी जो है ना चंदेरी साड़ी, इसको आप यूज़ करेंगे ना तो उतनी ही अच्छी बनी रहेगी, इसको खड़ी करके नहीं रख सकते आप, मतलब पहनने में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसमें बहुत डिज़ाइन है हमारे यहाँ, महल वगैरह ये हैं, पुरातन वगैरह की चीज़ें, उससे इसी के लिए डिज़ाइन बनाए गए हैं। इसकी इस्तेमाल करने पर किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है, क्या है? इसको इस्तेमाल करने से रिस्पॉन्स ये मिलता है कि साड़ी ख़राब नहीं होती है, इतना मतलब इतना इसको यूज़ करेंगे ना उतनी ही ज़्यादा चलेगी ये साड़ी। ये डिज़ाइन है, ये जंगला है, जो हमारे महल वगैरह होते हैं ना उसको देखकर ये जालियाँ होती हैं, उसकी डिज़ाइन ही बनाते हैं। हम लोग चंदेरी से आए हैं, चंदेरी की हैंडलूम की साड़ियाँ हैं। चंदेरी में पहले सिल्क बाई सिल्क में साड़ी बनती थी, और कुछ लोगों का कहना था कि चंदेरी साड़ी में कटने की शिकायत आती, तो उसको हमने उनकी डिमांड लेते हुए सिल्क बाई कॉटन में साड़ी बनाई हुई, जिससे उसमें आपको ना कटने की शिकायत आती है ना कुछ, और कटने की शिकायत तो पहले भी नहीं आती थी, कटने की शिकायत आती थी कब, जब आपके रख रखाव के हिसाब से उसको अगर आपने होल्ड करके रख दिया अलमारी में, उसमें बेड रख दिया तो शिकायत आती थी, वैसे कभी शिकायत नहीं आती। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस साड़ी को जितना आप यूज करेंगे उतनी ही ज़्यादा चलेगी वो। हम लोग चंदेरी से आए हैं, 30 लोग क्राफ्टमैन आए हुए हैं यहाँ पे MP से, और हर तरह की चंदेरी साड़ी भी हैं, चंदेरी में सूट भी हैं, कॉटन सूट भी हैं, कॉटन साड़ी भी हैं, ये सब लोग हम लेकर आए हैं, 30 क्राफ्टमैन आए हुए हैं। कितने से लेके कितने तक की रेंज? हमारे कन 2,000 रुपये से कॉटन सिल्क में साड़ी, और सिल्क में 20-25 हज़ार रुपये तक की साड़ी हम लोग लेके आए हैं।